नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है बिल्कुल एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की इंफॉर्मेशन के साथ। और ये रिक्रूटमेंट आई है समग्र शिक्षा अभियान चंडीगढ़ की तरफ से, जो कि जुड़ी हुई है टीजीटी टीचर रिक्रूटमेंट 2019 से। तो दोस्तों, चंडीगढ़ में आई शिक्षकों की बड़ी भर्ती, जिसके आवेदन करने की अंतिम तिथि है 22 मार्च 2019। सभी विषय के शिक्षकों की ये रिक्रूटमेंट है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज से लगभग 10 दिन पहले मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया था और मैंने आपको बताया था कि चंडीगढ़ में जल्द ही टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है और वो 21 तारीख से आएंगी। तो दोस्तों, आज 21 तारीख ही है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बिल्कुल डिटेल से सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। इनके लिए जो सैलरी निर्धारित की गई है वो है 45,756 रुपए पर मंथ। ये देखिए दोस्तों, डिटेल्ड नोटिफिकेशन, इसके बारे में विस्तार से बात करें उससे पहले एक बात और, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ही होती है। तो ठीक है, अब बिल्कुल डिटेल से देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें इसमें प्रोवाइड कराई गई है। ये टीजीटी टीचर्स की वैकेंसियां हैं, 196 कुल पद है, कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है। कुल जो इसमें सैलरी निर्धारित की गई है वो की गई है 45,756 रुपए पर मंथ, ये फिक्स है। तो ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जरूर है, पर नॉर्मली चंडीगढ़ में जो टीचर्स हैं उनको निकाला नहीं जाता है और वही जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के टीचर हैं वही बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, कई सालों से लगातार पढ़ा भी रहे हैं। अब देख रहे हैं सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसी है। सबसे पहले टीजीटी हिंदी, टीजीटी की हिंदी की कुल वैकेंसी है 13, जिसमें जर्नल की 3, ईडब्ल्यूएस की 0 है, ओबीसी की 5 और एससी की है 5 वैकेंसियां। इसी तरह टीजीटी इंग्लिश के पद हैं 27, जनरल 7, ईडब्ल्यूएस 1, ओबीसी 11 और एससी 8, टीजीटी पंजाबी कुल पद 19, जनरल 7, ईडब्ल्यूएस 1, ओबीसी 6 और एससी 5, टीजीटी साइंस मेडिकल के 10 पद हैं, 2 जनरल के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस, 3 ओबीसी और 4 एससी के लिए। टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल के पद हैं 47, सबसे ज्यादा वैकेंसी ऐसी की हैं, जिसमें जनरल के 21 हैं, ईडब्ल्यूएस के 2 हैं, ओबीसी 11 और एससी के 13। टीजीटी मैथ कुल पद 34, 10 जनरल, ईडब्ल्यूएस 1, ओबीसी 11, एससी 12। इसी तरह टीजीटी सोशल साइंस कुल पद 46, जनरल 17, ईडब्ल्यूएस 2, ओबीसी 15 और एससी के 14। कुल पद हैं 196, जिसमें 67 हैं जनरल के, 8 हैं ईडब्ल्यूएस के, 62 हैं ओबीसी के और 69 हैं एससी कैंडिडेट्स के, और इसमें शामिल हैं 62 वैकेंसी, बैकलॉग की वैकेंसियां भी इसमें शामिल हैं। देखिए, कैंडिडेट अपॉइंट अगेंस्ट पीडब्ल्यूडी एंड ईएसएम कोटा विल कंज्यूम द पोस्ट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कैटेगरी टू विच दे बिलोंग्स, दैट इज जनरल, एससी या फिर ओबीसी। इसके बाद आगे देखते हैं कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले दे रखी है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो है ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद रेलिवेंट सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। उसके साथ साथ आपको चाहिए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन विद रेलिवेंट टीचिंग सब्जेक्ट और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय एनसीटीई विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो दोस्तों, आपके पास ग्रेजुएशन उस कंसर्न सब्जेक्ट में और बीएड होनी चाहिए, दोनों में आपके मार्क्स होने चाहिए 50%। 50% मार्क्स के साथ ही ग्रेजुएशन और 50% मार्क्स के साथ ही आपकी होनी चाहिए बीएड, और उसी के साथ साथ पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट पेपर 2 कंडक्टेड बाय सीबीएसई न्यू दिल्ली इन अकॉर्डेंस विद गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय एनसीटीई इन इज कंपलसरी। तो दोस्तों, बिल्कुल साफ साफ लिख दिया गया है, बिल्कुल कंपलसरी है सीटेट का पेपर 2 आपका क्लियर होना। अगर ये सीटेट क्लियर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये है कंपलसरी। और जो 4 साल की अभी बीएड का कोर्स होता है, अगर वो आपने कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपका होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और उसी के साथ साथ सीटेट तो आपका आवश्यक है ही। इसके बाद है रेलिवेंट सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट अंडर एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो अभी यहाँ दे रखी है सब्जेक्ट की डिटेल, रेलिवेंट या इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में आपके क्या होने चाहिए और बीएड में आपका टीचिंग सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी इसके बाद। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल के लिए, तो आपके पास ग्रेजुएशन में होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए साइंस या फिर मैथमेटिक्स। अब जो अगली पोस्ट है वो है टीजीटी साइंस मेडिकल, इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, और टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए साइंस
बीएड में, इसके बाद है टीजीटी मैथमेटिक्स, ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स होना चाहिए, बीएड में भी मैथमेटिक्स टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए, टीजीटी सोशल साइंस के लिए कोई दो सब्जेक्ट होने चाहिए ग्रेजुएशन में जो नीचे दे रखे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स सोशोलॉजी साइकोलॉजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें से अगर कोई दो सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और बीएड में आपका टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए सोशल साइंस। इसी प्रकार टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश इलेक्टिव होनी चाहिए, बीएड में इंग्लिश टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए, टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी इलेक्टिव हिंदी टीचिंग सब्जेक्ट बीएड में, टीजीटी पंजाबी के लिए पंजाबी इलेक्टिव और पंजाबी टीचिंग सब्जेक्ट आपका होना चाहिए बीएड में। जो आयु सीमा है वो है 21 से 37 साल, जो कि आपकी गणना की जाएगी 1-1-2019 को, 1-1-2019 को आपकी जो आयु है वो होनी चाहिए 21 से और 37 साल। छूट है इसमें कैटेगरी वाइज वो भी आप देख सकते हैं, ये देखिए एससी ओबीसी एक्स सर्विसमैन और एनी अदर कैटेगरी विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स इंस्ट्रक्शन इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार की तरफ से जो भी छूट दी जाती है एससी एसटी या ओबीसी कैंडिडेट्स को, वो सभी छूट इसमें मान्य होंगी अपर एज लिमिट में। इसके बाद है मोड ऑफ सिलेक्शन, मोड ऑफ सिलेक्शन एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, बिल्कुल डिटेल से देख लीजिए। मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेंड इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, वन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 150 मार्क्स विल बी कंडक्टेड, क्वालिफाइंग मार्क फॉर टेस्ट विल बी 40% फॉर ऑल कैंडिडेट, नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड। तो दोस्तों रिटर्न होगा आपका 150 नंबर का, जिसमें 40% पासिंग मार्क्स जरूरी है, कोई भी इसमें इंटरव्यू नहीं होने वाला है, जो भी मेरिट में टॉप करेंगे उनका इसमें हो जाएगा सिलेक्शन। यहाँ दे रखा है रिटर्न टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के 2.5 घंटे का समय होगा, जनरल अवेयरनेस रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन 15 क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन 15 क्वेश्चन, क्वेश्चंस रिलेटिंग टू स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड टू पोस्ट 75 क्वेश्चन आएंगे, जो कि होंगे 75 नंबर के, पासिंग मार्क्स 40% और नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, 1/4 है नेगेटिव मार्किंग। इसके बाद आगे चलते हैं, ये देखिए डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन रिलेटिंग टू सब्जेक्ट स्पेसिफिक विल बी एज पर द एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट, ये आप देख लीजिए आराम से। इसके बाद है सिलेक्शन प्रोसीजर, मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद दे रखा है प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये पूरा प्रोसीजर है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस 26 फरवरी 2019 सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा, जो कि चलेगा 22 मार्च 2019 शाम 5 बजे तक। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है, और फीस जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 27 मार्च 2019 है, और जो फीस है एप्लीकेशन फीस वो है एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल अमाउंटिंग रुपीज 800 रुपए एप्लीकेशन फीस है, और एससी कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो है 400 रुपए, और जो आपको जमा करानी विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड चलान अप टू 27-3-2019 अप टू 4 PM। तो ऑनलाइन मोड में चलान के द्वारा आपको ये फीस सबमिट करनी है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो डिसेबल पर्सन है उनको फीस में दी जाएगी छूट, उनको कोई भी फीस जमा नहीं करानी है। बाकी ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ आप देख सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद आप दो कॉपी दो प्रिंट आउट निकाल के रखें एप्लीकेशन का, और जो ये एप्लीकेशन का जो आप प्रिंट आउट निकाल के रखेंगे ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको लेके आना होगा, जिस समय आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, और उसके साथ साथ फोटो कॉपी भी लेके आनी है डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के समय, और जो ये एप्लीकेशन का प्रिंट आउट है ये भी आपको लेके आना है। बाकी डाक द्वारा या और किसी तरीके से आपको एप्लीकेशन सबमिट नहीं करानी है, सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है। ये है सारी डिटेल। एक ये फोन नंबर दे दिया गया है, अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप यहाँ फोन कर सकते हैं। यहाँ फिर से मेन मेन डेट बता दी गई है, एक बार मैं भी आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो कि है 26 फरवरी 2019 सुबह 10 बजे से, जो कि जारी रहेगा, जो कि अंतिम तिथि है 22-3-2019 अप टू 5 PM। लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट हो सकती है 27 मार्च 2019 शाम 4 बजे तक। उसके बाद है कंफर्मेशन लिस्ट जारी कर दी जाएगी 2 अप्रैल 2019 11 बजे जारी कर दी जाएगी कि इन इन कैंडिडेट की फीस आ गई है और इनका फॉर्म जो है वो हो गया सबमिट, और जो रिटर्न टेस्ट का शेड्यूल है वो नोटिफाई कर दिया जाएगा 10 अप्रैल 2019 तक। तो ठीक है दोस्तों, मेन मेन सारी इन्फॉर्मेशन इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। बाकी दोस्तों
इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि यहाँ हम जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई प्रोवाइड कराते हैं वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही होती है। तो ठीक है, आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।